मॉर्निंग। तो भाई साहब सुबह सुबह अचानक से मुझे निकलना पड़ रहा है अपने नानी के गांव, मतलब मूड़ाडीह, जो कि सातवा से थोड़ा सा आगे है। इसके पहले भी हम गए हैं वहाँ पे कि कुछ थोड़ा सा विवाद हो गया वहाँ पे, और इस वजह से हमको अभी सुबह सुबह में निकलना पड़ रहा है। क्या बज रहा है, अभी 7:30 हो रहा है। तो इस टाइम पर अभी पहुँचे हैं बांस डी रोड, पहुँचने वाले हैं अभी। चल देखते हैं वहाँ पर क्या सब मैटर है, फिर देखते हैं कब तक आते हैं वहाँ से। बाकी इधर देखो ट्रेन खराब हो रही है। अब 2-4 किलोमीटर रास्ता मिलेगा पूरा कंडम। पहले इस रास्ते से हम गए और आज जा रहे हैं। बहुत पहले जब हम लोग जो छोटे छोटे से थे, हमें लग रहा है कि उस समय जो है हम 8 या 9 साल का रहूँगा, तब जो है हम लोग जो है इस रास्ते से हम लोग गए हैं। और वो भी समझ लो कि उस समय पैदल, मतलब ये है जो सातवार स्टेशन है, यहाँ पर जाकर हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा था। उस समय की बात है, सोच लो। चलो भाई, ये इधर इसी वाला फड़ा था, ये वाला छज्जा निकालने का, तो निकलते हैं। ये जो दिख रहा है ना छज्जा, यही निकालने का लफड़ा था सब। तो इतना ज़्यादा मतलब तो छज्जा निकाल रहे थे कि जैसे किसी के घर पे पानी गिरने के लिए। चलो हल हल हो गया मामला, अब तो हम भी निकलते हैं। 10 बजे ये है भैया, देख लो मूड़ाडीह गाँव, आप लोगों से बताओ भाई कोई मूड़ाडीह का हो तो कमेंट करो। ये जो दिख रहा है गाँव से, ये रास्ता जो है सीधे सातवार मार्केट में लेकर जाएगा, और रास्ते होते हुए अपने छाता और बाकी रोड वाले रास्ते में निकलेंगे। आराम से रोते रोते हम आए थे, ये रास्ता बहुत ज़्यादा नहीं है, गाय साइड से इसी रास्ते से, इस रास्ते से आए थे। पूरा इधर ताल ताल पूरा है भरा हुआ, इधर ताल ताल होते हुए। तो हम जिस समय की बात बता रहे थे कि हम लोग बहुत छोटे थे तो इस रास्ते से हम लोग गए थे, उस समय ये दूर कुछ नहीं बना था, कुछ नहीं था, सब मतलब ऐसे खेत खेत जैसा था। और ये बगीचा भी और भी ज़्यादा था बगीचा, और उस बगीचे में से होते होते रास्ता जा रहा था उस समय, और हम लोग को पता भी नहीं चला था कि मतलब 2-3-4 किलोमीटर पड़ी जाएगी, 3 किलोमीटर हम लोग पैदल ही चले गए थे उस टाइम पे। देखो अभी भी कितने बगीचे हैं यहाँ पे, यही है उत्तरासिंह, और पता नहीं स्टेशन किधर है, उधर शायद है थोड़ा सा आगे, और मतलब ये पटरी पटरी पकड़ के ही आगे जाना पड़ता है, उधर साइड में है स्टेशन। पूरा सातवा गाँव के हम बीच में है एकदम, पता भी नहीं है कि कहाँ, इसमें तो पहली बार हम आए हैं, निकल गए बाहर आ गए। और कितना बढ़िया फूल है यहाँ पे, छाँव कितना मस्त ये फूल है, अब बढ़िया लग रहा है। सोचे थोड़ी देर बैठते हैं ठंडा ठंडा जगह को। और ये छोटू हो गया, आप आम भी लगाएगा, ये आम लगा वाला का रोज चाहे कौन आम हो, सफेदा हल्के हल्के से, अब धूप लग रही है तो थोड़ा थोड़ा सा उमस भी बढ़ने लगेगा। टॉप 5 हॉस्पिटल का वीडियो बनाना सोच रहे थे, मतलब अभी नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसी का सर्वे करने के लिए हम यहाँ पर आए थे अपूर्वा हॉस्पिटल में। अभी मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल तौर पर जैसे हार्ट शुगर हुआ ऐसे कुछ मरीज वरीज दिखा सकते हैं, ICU भी नहीं है और वेंटिलेटर भी नहीं है, ये सब नहीं है, सुविधा कुछ नहीं है, ऑपरेशन शायद भी नहीं है। ये बहुत कठिन है यहाँ पता करना कि टॉप 5 हॉस्पिटल का वीडियो बनाना, तो व्यवस्था उस हिसाब से होनी चाहिए, फैसिलिटी उस हिसाब से होनी चाहिए ताकि उसका वीडियो बनाया जा सके। अभी अपूर्वा नहीं है उसका, बिल्कुल नहीं घर पर हालत खराब, सुबह के निकले थे 6:30 बजे 7:15 बजे। कहाँ चल दिए बैग लटका के, इतना बड़ा बड़ा काजर लगाए हो, ए सुबह कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो भाई। खाने में बना है दाल चावल सतपुतिया और आलू की भुजिया, ए इधर आओ चलो
खाना पीना हो गया, अब चलते हैं इनको स्कूल छोड़ते हैं ड्यूटी। आज तो बहुत खास दौड़ भी हो गई सुबह सुबह में ही, और धूप भी निकला है बाहर भयंकर वाला। उनको स्कूल तो छोड़ दिए, धूप भी बहुत तेज हो गया है, अब घर पर चलेंगे, कुछ काम करना है तो घर ही पर चलते हैं। सोचे थे मजीद भाई दुकान पर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, घर चलेंगे। ठंडा लगा था बाहर, धूप में उमस जैसा हो जा रहा है, और एसी जो थोड़ा भी चल रहा है तो ठंडा लगने लग रहा है। खैर चलो टाइम हो गया उनको लाने के लिए, चलते हैं स्कूल पे। रोज छुट्टी होती है 4:30 बजे, आज हो रही है 5:15 बजे, अभी तक छुट्टी नहीं हुई, लेट ही हो गया, बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा भैया। करते करते आज 6 बज गया इनको लेके वहां से निकलने में, रोज 4:30 बजे निकलते थे, आज 6 ही बज गया। चलो बाबू तुम्हारे सर पे नारियल फोड़ दें, इस पे नारियल फोड़ दें, हैं नारियल फोड़ दें, हाँ मना नहीं करते हो। अशु भी दो, आ आ आ हमको खिला दो, लाओ, अरे लजा गली लजा गली के नाई, खिला दो आ, आ। ए क्या बदमाशी कर रही हो भैया, खाना खा रहे, खाने तो भैया को चुपचाप खाना करो बदमाशी। अरे 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 नीचे तला बन गया। आज बनाया भैया खाना, पनीर मसाला भुर्जी, खाते खाते देखो 11:15 हो गया। चलो भाई रात के बज रहा है 11:15, तो खाना पीना हो गया, फिलहाल मैं ब्लॉग एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते जल्दी कल ब्लॉग।